2016 में तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने जोर देकर कहा था कि 2018 तक लोग स्वच्छ शांत गंगा की अविरल धारा देखेंगे। लगभग दो साल बाद 2018 में जब उनके उत्तराधिकारी नितिन गडकरी ने जल संसाधन मंत्रालय का कार्यभार संभाला और पूर्व मंत्री के बयान का आकलन किया तो उन्होंने इसमें सुधार करते हुए कहा कि मार्च 2019 तक गंगा 70-80% तक साफ हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री कुछ भी दावा करें लेकिन हकीकत यही है कि भारत की सबसे पवित्र नदियों में शुमार गंगा का पानी अभी भी पीने योग्य नहीं है, यानी सरकार के दावे और जमीनी हकीकत अलग अलग है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने ताजा अध्ययन में कहा कि जिन 39 स्थानों से होकर गंगा नदी गुजरती है उनमें से केवल एक स्थान का पानी पीने योग्य है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सीपीसीबी ने हाल ही में गंगा नदी जैविक जल गुणवत्ता आकलन 2017 और 18 की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार मानसून से पहले केवल 4 स्थानों पर गंगा की गुणवत्ता साफ या मामूली प्रदूषित थी और मानसून के बाद 39 में से केवल एक स्थान पर सिर्फ हरिद्वार में ही गंगा का पानी स्वच्छ पाया गया। गंगा के पानी की गुणवत्ता के लिए अलग अलग जगहों से 2 बार पानी के सैंपल लिए गए, एक बार मानसून से पहले और दूसरी बार मानसून के बाद। इन्हें 5 श्रेणियों में रखा गया, ए में साफ, बी में मामूली प्रदूषित, सी में प्रदूषित, डी में बेहद प्रदूषित और ई में गंभीर प्रदूषित। मानसून से पहले लिए गए सैंपलों में 34 स्थान पर गंगा मध्यम रूप से प्रदूषित थी जबकि 3 में गंभीर रूप से, यानी करीब 37 स्थान पर मानसून से पहले जल प्रदूषण मध्यम से गंभीर श्रेणी में रहा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी सहायक नदियां पांड और वरुणा नदी गंगा में प्रदूषण बढ़ा रही हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।